नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम बात जो करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं किस्त की। जी हाँ, कि किस्त ने टाइम दे दिया है क्या? लोगों के मन में काफी ख्याल आ रहा है तो इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। चलो तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब जो दोस्तों यहाँ पे मेन चीज आती है वो मेन चीज ये होती है कि यार कुछ दिनों पहले ना मतलब किस्त के हेड ब्रांच में बात करी गई थी। ये प्रवीण भाई हो गए और भी लोग हैं जो इन्होंने किस्त के मैनेजर से बात करी गई थी, हेड ब्रांच से बात कर रहे थे। तो सॉल्यूशन ये आया कि कई लोगों के पास ना मतलब मैसेज गया है कि उनको 10 मई तक का टाइम दे दिया गया है रीपेमेंट के लिए। जी हाँ, कि 10 मई तक वो पेमेंट करवा सकते हैं। अब ये सच्चा है या झूठ है, क्योंकि कई लोगों का फोन मेरे पास ये आया है कि मेरे पास मैसेज नहीं आया, मुझे कोई टाइम नहीं दिया गया। कुछ लोग का ये आया कि सर थैंक यू, मेरे को टाइम मिल गया। तो अब ये प्रॉब्लम हो रही है कि किसी को टाइम मिला है किसी को नहीं मिला, तो यही हमारी प्रॉब्लम चल रही है। और कुछ तो हाँ, जैसे हमने कहा था कि वो पेमेंट के लिए मतलब एक्सटेंड के लिए वो पेमेंट मांग रहे हैं, कुछ पेमेंट मांग रहे हैं जैसे 900 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये, लेकिन अब तो वो भी नहीं मांग रहे, अब टाइम दे दिया जा रहा है डायरेक्ट। अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले एक बंदे के पास कॉल आई थी तो उनसे वो पूछा जा रहा था कि सर आप लॉकडाउन के बाद पेमेंट कराओगे, तो वैसे ही था। अब आपको मेल करनी पड़ेगी एक, दिखे अगर किसी को सुखा नहीं मिला उसको एक बार और मेल कर देना, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे। मेल में आप सबको पता ही है क्या लिखना है कि जी मैं इस टाइम पे करने के लिए एबल नहीं हूं, मुझे टाइम चाहिए, तो आपको ये लिख के मेल कर देनी है। अब देखते हैं उसका क्या रिवर्ट आता है। अगर रिवर्ट उसका पॉजिटिव आता है तो वेल एंड गुड है यार, आप सबके लिए बहुत अच्छा है। और यार पहली बात, अगर ये 10 मई तक का एक्सटेंड दे रहे हैं, आपको पता है कैशविन ने 1 जून तक का टाइम दिया है, ठीक है, कैशविन ने 1 जून तक का टाइम दे दिया। अब जो किस्त है वो 10 मई तक का दे रही है, स्क्रीनशॉट देख लो आपके सामने चल रहा होगा कि 10 मई तक का टाइम दिया है। बट यार पता है मेन चीज क्या हो जाती है कि 3 मई को लॉकडाउन खुलेगा तो आपके पास उसी टाइम पैसा तो नहीं आ जाएगा, कम से कम आपको बैकअप बनाने में 1 महीना लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि 3 मई को लॉकडाउन खुला आपके पास पैसा आ गया और आपने पेमेंट कर दी। तो यार हमें ना और टाइम चाहिए, जैसे किस्त ने जैसे कैशविन ने जून तक का टाइम दिया, तो यार हमें और भी तो कंपनियां दे सकती है ना, तो हमें उसके अगेंस्ट फाइट करनी है यार। देखो 10 मई से तो कोई कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कुछ लोगों को तो किस्त परेशान करते करते ले जाएगी कहां तक, मई तक ले जाएगी। अब जब 10 मई आ गया तो बोलेगा जी हमें पेमेंट, तो हमने टाइम दे रखा था, यही होगा ना। 10 मई तक का उन्होंने टाइम दिया, दिन कितने रह गए, 10 से 15 दिन। अब होगा क्या, अब पता है क्या होगा, जो किस्त वाले हैं कुछ लोगों को हरासमेंट करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, और जैसे ही मई आ गया टाइम निकल, 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो गया, वैसे वो जान लेना स्टार्ट कर देंगे। तो भाई बी अलर्ट, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो कस्टमर केयर को यही बोलो कि भाई खुश मत होना, 10 मई अगर टाइम दे दे तो खुश मत होना भाई कि 3 मई को तुम्हारे पास पैसा आ ही जाएगा। उनको ये बोलो सर कि 3 मई को तो लॉकडाउन ही खुलेगा, फिर हम जॉब पे जाएंगे, हम काम करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 महीना तो लगना ही लगना है। तो आप ऐसा कैसे सोच रहे हो यार, ठीक है इस पे जरा ध्यान दो। और हाँ, अगर मुझसे जुड़ना है, अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कोई, अगर उसका सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, मैं आपको व्हाट्सअप का लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना दोस्तों।